इस वीडियो में हम 19 दिसंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021 के बीच का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहला है, तमिलनाडु ने तमिल थाई वजथु को राज्य गान के रूप में अपनाने की घोषणा की है। तमिल थाई वजथु को 1970 से आधिकारिक दर्जा प्राप्त है और यह केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी का भी आधिकारिक गीत है। जया भारत जननिया तनुजते कर्नाटक का आधिकारिक राज्यगान है और वंदे उत्कल जननी उड़ीसा का आधिकारिक राज्यगान है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उड़ीसा का राज्यगान क्या है, कर्नाटक का राज्यगान क्या है या तमिलनाडु का राज्यगान क्या है। नेक्स्ट है, 2002 के गोधरा दंगों जो कि गुजरात में हुआ था और 1984 के सिख विरोधी दंगों जो कि पंजाब में हुआ था कि जांच के लिए जांच आयोग बना था, उसका नेतृत्व करने वाले पूर्व न्यायाधीश ठाकुर लाल नानावती का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, 1995 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट है, गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के कब्जे में था और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने पुर्तगालियों के शासन से गोवा को मुक्त कराया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत 2012 से हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। यह दिन गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2015 में एक फिल्म आई थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। यह फिल्म श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी पर आधारित था। नेक्स्ट है, यूपी सरकार 25 दिसंबर को फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है, केंद्र की वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या है वो 44 करोड़ के पार हो गई है, यानी कुल खाता धारक की संख्या जो है वो 44 करोड़ के पार हो गई है और सबसे अधिक खाता उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद बिहार सेकंड नंबर पे है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि उसने वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल लेन देन के मामले में नंबर वन स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई थी और किसानों के कल्याण की दिशा में काम किया था। वे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। चौधरी चरण सिंह 14 जनवरी 1980 को अंतिम सांस लिए थे, यानी उनका देहांत हुआ था। उन्हें समर्पित एक स्मारक जो कि राजघाट पर बनाया गया है, उसी को किसान घाट कहा जाता है। 1967 में वे कांग्रेस से अलग हो गए थे और उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसान दिवस किस लिए मनाया जाता है, किस प्रधानमंत्री के सम्मान में मनाया जाता है, और दूसरा कि चौधरी चरण सिंह भारत के कईवें प्रधानमंत्री थे, कब से कब तक उनका शासन था, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के कटक जिले में
महानदी नदी पे बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टी सेतु किस स्टेट में है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये किस नदी पे बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं अभी गणेशी लाल। नेक्स्ट है, अभिनेता तुषार कपूर ने अपनी पहली किताब बैचलर डेड लिखी है। तो ये पूछा जा सकता है कि बैचलर डेड किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत ने DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप तट से पहला उसका उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि प्रलय जो मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि APJ अब्दुल कलाम लॉन्चिंग पैड किस स्टेट में है, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाडन तैनात किया है, जो पाकिस्तान और चीन से हवाई खतरों का ध्यान रखेगा। अभी हाल ही में भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल खरीदा था, और उसका पहला तैनाती जो है वो पंजाब में किया गया है, और ये S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और ये 400 किलोमीटर के रेंज तक ये मार कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय किशोरी अनाहत सिंह प्रतिष्ठित जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट U15 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये 13 वर्ष की हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं, और ये जो टूर्नामेंट है अभी अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था, जहाँ की फाइनल मैच में इन्होंने मिस्र की जायदा मोरेई को हराया, और ये US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट U15 जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट है, इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी एक पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर जोशी को हिमालयी क्षेत्र में 10,000 से अधिक गांवों को प्रभावित करके पर्यावरणीय स्थिरता क्षेत्र में चेंज मेकर के रूप में उनके प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार जो है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड ये हारमनी फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है उन व्यक्तियों को जो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और 25 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सुशासन दिवस किनकी जयंती के लिए मनाया जाता है। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। और अब आज के इसी वीडियो में से एक सवाल जो आपको ये डिसाइड करेगा कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा या नहीं। तो क्वेश्चन है, प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, पानी से हवा में मार करने वाली, या सतह से सतह पर मार करने वाली? थैंक यू।